जय भीम। सबसे पहले तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे आज के बाबा साहेब की पुण्य स्मृति पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, हमारे दिल्ली सरकार के अन्य मंत्री और दिल्ली के हमारे अध्यक्ष गोपाल राय जी, दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राकी बिल्डान जी, आज के इस आयोजन में पधारे सभी विधायकगण, निगम पार्षद, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी अंशु जी, एसएसटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बाली जी, सभी अधिकारीगण और दिल्ली के 70 विधानसभाओं के कोने कोने से पधारे सभी भीम सैनिक और सैनिकाओं, सिपाहियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज बाबा साहेब को उनके 62वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो डॉक्यूमेंट्री अभी चली, इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर मुझे लगता है कि आज तक हमारी सरकारों ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जो बहुआयामी चरित्र थे, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, उसको बहुत छोटा करके, संकुचित करके बनाया। मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्री तलाशी, तमाम डॉक्यूमेंट्री तलाशने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सभी सरकारें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को केवल दलितों का मसीहा के रूप में पेश करती रही और यह डॉक्टर बाबा साहेब के साथ अन्याय है। अन्याय क्यों है वो मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारे देश में एक तरफ अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के खिलाफ आजादी का आंदोलन छिड़ा था, जिसमें महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता और लाखों की संख्या में देश को आजाद कराने वाले मतवाले लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस पूरी आजादी के आंदोलन की लड़ाई में एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते जब मैं उसको पढ़ता हूं, इस पूरे आजादी के आंदोलन में दलितों की आजादी की बात कहीं नहीं हुई। इस पूरे आजादी के आंदोलन में हमारी देश की आधी आबादी महिलाओं की आजादी की बात कभी नहीं हुई। पूरा आजादी का आंदोलन अंग्रेजों से सत्ता निकलकर हमारे अपने देश के काले अंग्रेजों के हाथ में आ जाए, उसका जो दायरा था, जितना बड़ा होना चाहिए था, उतना नहीं था। तो एक तरफ तो वो गुलामी थी जो अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी, जिसका पूरा देश गुलाम था, लेकिन एक तरफ दूसरी गुलामी थी जिसमें देश का लगभग 85% समाज लगातार लगभग 4000 साल से गुलाम था। इस अंतर को समझना होगा। इस देश में जो खेती की भूमि है, इस देश में जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो कोयले की खान हो, चाहे पत्थर की खान हो, चाहे दूसरी खाने हो, चाहे नदियों से जो रेत का उत्खनन होता है या दूसरी खानों से खनिज पदार्थों का उत्खनन होता है, जहां से लाखों करोड़ रुपया पैदा होता है, उन पे चंद लोगों का कब्जा है। देश की खेती की भूमि को कोई मां के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ। इस देश की सारी संपत्ति हमारे देश की होनी चाहिए थी, हमारी सरकार की होनी चाहिए थी, लेकिन जिन्होंने भारत के भोले भाले मूल निवासी, जिनको
भारत के इतिहास को जब अध्ययन करते हैं तो नागवंशी के रूप में, द्रविड़ के रूप में जाना जाता था। उनकी आजादी की बात करने वाला कोई नहीं था, बहुत भोले वाले थे। जो लोग बाहर से हमारे देश में, बहुत सारे हमले हुए, बहुत लोग बाहर से विदेशों से भारत में आए, चाहे वो आर्यंस रहे हो, चाहे शक रहे हो, चाहे हून रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने इन भोले भाले लोगों से उनकी सारी संपत्ति छीन ली, उनकी जमीन छीन ली, उस वक्त जानवर और जमीन यही प्रॉपर्टी होती थी, ये सारी प्रॉपर्टी छीन ली और छीन के उन्हें गुलाम बनने पर विवश किया। जिन लोगों ने गुलामी स्वीकार नहीं की, या तो वो मारे गए या वो जंगलों में चले गए, जो बाद में इतिहास में अनुसूचित जनजाति के रूप में जाने गए। और एक तरफ वो लोग थे जो ना तो भाग सके ना मरे, उन लोगों को गुलाम बना लिया गया जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति कहलाया गया। इन लोगों से केवल उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ नहीं छीना, बल्कि धर्म शास्त्रों को आधार बनाकर उनको एक ऐसी बंदिश लगा दी जिससे हजारों साल तक गुलामी का रास्ता प्रशस्त हुआ। वो धार्मिक बंदिश थी कि तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, पुराने कर्मों का फल तुम भुगत रहे हो, तुम्हारा केवल कर्तव्य है और वह है तीनों ऊपर के वर्णों की सेवा करना। इस धार्मिक बंदिश की वजह से एक साल नहीं, दो साल नहीं, दस साल नहीं, बीस साल नहीं, सौ साल नहीं, दो सौ साल नहीं, हजार साल नहीं, लगभग 3,500 साल तक यह समाज गुलाम रहा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को लोग भगवान की तरह क्यों पूछते हैं? पूरी दुनिया में जहां जहां हमारे लोग बसे हैं, इस बारीकी के अंतर को समझना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने, अगर उनको आप विस्तृत रूप से पढ़े तो 1913 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और अभी 2013 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इतिहास को 300 साल होने पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे करवाया कि 300 साल के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे अच्छा बेस्ट स्टूडेंट कौन रहा। आपको जानकर ताज्जुब होगा, 2013 में जब वो चयन हुआ तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी का बेस्ट स्टूडेंट चुना गया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया और नीचे एक स्लोगन दिया, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। वैसे तो इस अवसर को हमारे देश को सेलिब्रेट करना चाहिए था क्योंकि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेलिब्रेशन नहीं हुआ। दूसरा, बाबा साहेब के जो बहुआयामी चरित्र है, अगर उसको पढ़ा जाए तो आप ये पाएंगे कि 1942 में जब ब्रिटिश वायसराय ने उन्हें अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, यानी सरकार चलाने के लिए जैसे कैबिनेट होती है, उस वक्त वायसराय की एग्जीक्यूटिव होती थी, उसमें एग्जीक्यूटिव के अंदर लेबर मेंबर के तौर पर चुना, जिसे आज लेबर मिनिस्टर बोलते हैं। तो लेबर मिनिस्टर रहते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने बहुत बड़ा काम किया जिसको हमारे इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया, जिसको कहीं डॉक्यूमेंट्रीज में नहीं दिखाया गया, लेकिन जब इतिहास को पढ़ते हैं तब पता लगता है कि उन्होंने लेबर मिनिस्टर यानी लेबर मेंबर रहते हुए काम के घंटे निर्धारित किए। पहले मजदूरों को 14-14 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन 1942 में लेबर मेंबर के तौर पर वो एक कानून लेके आए ब्रिटिश काउंसिल में और वो कानून बना, मजदूरों के काम के घंटे 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिए गए। तो मजदूर दलित मजदूर नहीं,
सभी जातियों के मजदूरों के लिए। उनको पूरा पैसा नहीं मिलता था तो एक बिल लेकर आए, उन्होंने मिनिमम वेज निर्धारित किया। महिलाओं के लिए, उनको प्रसव के लिए छुट्टियां नहीं मिलती थी, उनके लिए मैटरनिटी लीव का प्रोविजन लेके आए। तो देश की महिलाओं को पता भी नहीं है कि वो जो नौकरियों में है आज, जो मैटरनिटी लीव एंजॉय कर रही है, वो किसने दिया। देश के मजदूरों को पता ही नहीं है कि उनका मिनिमम वर्किंग आवर्स और मिनिमम वेज, ये किसने उसकी गारंटी दिलवाई। तो ये पढ़ाने का काम किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाता हूं और एक वायदा करता हूं, 14 अप्रैल 2016 को इसी ताल कटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे पकड़ते हैं, अपने समाज के लोग, और वो अरविंद जी की स्पीच सुनाने लगते हैं मुझे। ये देखो, उन्होंने कहा था बीजेपी गवर्नमेंट को, तुम पढ़ाओ सावरकर, हम पढ़ाएंगे अम्बेडकर। तो मैंने उनको बताया कि अरविंद जी ने मुझे विशेष जिम्मेदारी दी है इस काम को पूरा करने की, तो मुझे बड़ा फक्र हो रहा है आपके सामने बताते हुए। मैंने JNU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 10 प्रोफेसर्स की टीम बनाई है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर अध्याय लिखने का काम शुरू कर चुकी है। बहुत जल्दी हमारे दिल्ली के आज तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के हाथ से जो उन्होंने वचन दिया था, कि आप बार बार मेरे को कहते हैं कि ये हो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। ये जो कुछ हमने किया है अरविंद जी के कहने पर, उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में किया है। ये कोई मेरा अपना प्रयास नहीं है, इस सच को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि ये तो यहां पे अरविंद जी ने जो बोला, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इन वर्गों के विकास के लिए योजना बनाइए, और ऐसी योजना जो डायरेक्ट इन लोगों के निचले स्तर तक पहुंच जाए, मैदान के पीछे लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच जाए, ऐसी स्कीम बनाइए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनकी गाइडेंस में इस दिशा में कार्यरत हूं। उसके बाद जब बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, 2 साल 11 महीने 18 दिन उसमें लगे, और वो जब प्रथम कानून मंत्री बने, तो उनके दिमाग में एक बात हमेशा चलती रहती थी, डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ उसका जिक्र है, एक्चुअल में वो है क्या। जो 1950 में वो हिंदू कोड बिल लेके आए, 50-51 के बीच, वो हिंदू कोड बिल था क्या। इस बात को इसलिए समझना जरूरी है कि हमारे देश की आदि जनसंख्या जो महिला है, उसकी स्थिति भारत के इतिहास में गुलामों जैसी, अछूतों जैसी रही है, चाहे वो किसी भी जाति की क्यों ना हो। अगर जवानी में उसके पति की डेथ हो जाए तो उनको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को अपने पिता और पति की संपत्ति में हक नहीं था, और अगर बच्चे पैदा नहीं होते तो उनको बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। पति क्रूर है तो पति से तलाक लेने का हक नहीं था, मेंटेनेंस लेने का हक नहीं था। ये जो हिंदू कोड बिल बाबा साहेब लाए, उसमें ये सारे प्रोविजन थे। लेकिन दुखद यह है कि जब बाबा साहेब हिंदू कोड बिल संसद के अंदर लाए, तो कुछ सांसदों ने तो यहां तक कह दिया, इस संसद के खिड़की और दरवाजे बंद कर दो, कहीं किसी कोने से भी डॉक्टर अंबेडकर अंदर प्रवेश ना कर जाए। जब बाबा साहेब को लगा कि मैं देश की महिलाओं को अगर बराबर का हक नहीं दे सकता, तो फिर मुझे कानून मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं। अल्टीमेटली उन्होंने कानून मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया, और नेहरू पे लगातार प्रेशर बनाते रहे। उस वक्त नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन पर लगातार प्रेशर बनाते रहे, और प्रेशर अल्टीमेटली कामयाब हुआ। 1955 में नेहरू जी के नेतृत्व में बाबा साहब की भावनाओं के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होकर हिंदू कोडविल की जगह हिंदू मैरिज एक्ट आया, जिसमें तलाक का हक भी मिला और दूसरे हक मिले। उसके बाद 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया, जिसमें बच्चे गोद लेने का भी और मेंटेनेंस का भी हक मिला। हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, जिसमें पिता पति की संपत्ति में हक मिलने की बात थी, और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट आया। यानी हिंदू कोड बिल 4 टुकड़ों में बट के 1955 और 1956 में लागू हुआ। इस हिसाब से अगर आप खुद सोचो, मैं सबके सामने सवाल छोड़ता हूं,
क्या बाबा साहेब को केवल दलितों को मसीहा कहना न्यायप्रिय होगा, न्यायचित होगा? तो देश को सोचना चाहिए, देश के लोगों को सोचना चाहिए, देश में सरकारों को सोचना चाहिए, इतिहास जो है उसको तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। आज केंद्रीय सरकार इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है, अपनी मर्जी से इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे हरदिल अजीज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। साथियों, वैसे तो ये सब्जेक्ट मेरा ऐसा, जब मैं सारे स्टेट्स के अंदर जाता था, वर्कशॉप देता था, कई कई घंटे लग जाते थे। लेकिन आज का समय बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ माननीय केजरीवाल जी को सुनने का है। और जो स्कीम हम लेके आए हैं, मैं चाहूँगा कि मैं अपने मुंह से ना बोलूँ, क्योंकि वो अरविंद जी की गाइडेंस में बनी है, तो अरविंद जी अपनी स्पीच में बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।